अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें हम फिर से बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। दो तीन बातें हैं जिसके लिए मैंने फिर से ये वीडियो बनाई है, जो कि जिस पर मैं बात करना ज़रूरी समझ रहा था। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, एशिया कप की टिकट्स सेल शुरू हो रही है आज से। आज 12 अगस्त है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो सेल शुरू भी हो चुकी होगी। तकरीबन दोपहर के 2 बजे से शुरू होनी है सेल। शुरू में VIP इंक्लोजर्स जो हैं मुल्तान और लाहौर के, उनके टिकट्स की सेल शुरू होगी। और उसके बाद 14 अगस्त से जो जनरल इंक्लूजर्स हैं सस्ते वाले, उनके टिकट्स की सेल शुरू होगी। और जो श्रीलंका में मैचेस हैं वो फिर बाद में अनाउंस किया जाएगा कि वहाँ पर जो टिकट्स की सेल है वो कब से शुरू होगी। तो ये होगी एशिया कप के टिकट्स की बात। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और एशिया कप स्क्वाड का ऐलान किया था और उसमें तकरीबन बैलेंस टीम है, लेकिन उसमें एक मसला हो गया और वो ये था कि राशिद लतीफ ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि रिसेंटली जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो है परफॉर्मेंस, उसके उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी और उसको लेकर फिर शाहनवाज ने उससे में हो गए। एक तो उनको स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया तो इसलिए वो थोड़े और जज्बाती हो गए। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ना लगता है मैं पाकिस्तान का पेसर हूँ ही नहीं। और इसके अलावा उन्होंने अपना मतलब स्टैट दिखाया हुआ था और एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी उनके हक में बात ही नहीं कर रहा। धानी के इस मतलब दो ट्वीट्स के बाद अब PCB ने भी सोचा है कि इसके खास रिएक्शन लेते हैं, काफ़ी बातें कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। और इसके अलावा जो एक और खबर मैंने सुनी, पाकिस्तान इसी साल, सुना है कि इसी साल T10 लीग अपनी मुतारिफ करवा रहा है, जो कि अगर मेरी राय यहाँ पर आप लेना चाहें तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट पहले बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तकरीबन हर मुल्क अपनी अपनी लीग्स करवा रहा है, तकरीबन सारा साल क्रिकेट चलती रहती है, तो वो मज़ा ना ऐसा ख़त्म होता जा रहा है क्रिकेट का ना। और वर्ल्ड कप भी देख ली, तकरीबन हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप का आईसीसी का इवेंट हो रहा होता है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी, कभी T20 वर्ल्ड कप, कभी ODI वर्ल्ड कप, तो ना क्रिकेट का मज़ा ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये था कि T10 लीग को रहने देते पाकिस्तान, वही जो पैसे उन्होंने T10 लीग पर लगाना है ना वही आप PSL पर लगा दें, थोड़े ज़्यादा पैसे लगाएं और थोड़े जो महंगे खिलाड़ी हैं वो आप रखें, थोड़े बड़े नाम जब PSL में आएंगे तो PSL और ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल से PSL को ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप मज़ीद लीग मुतारिफ कराएं। अब यानी कि पाकिस्तान इसके अलावा वो कश्मीर प्रीमियर लीग भी वो भी चला रहा है और PSL भी चला रहा है, तो इसके साथ अगर एक और लीग आ जाएगी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और मज़ीद अपने आप सजेशन वगैरह दे सकते हैं। और इजाज़त दीजिए, बाय बाय।